हाल ही में समाप्त हुए ऑटो एक्सपो 2020 में फॉक्सवैगन इंडिया ने अपने नए ब्रांड लोगों को पेश किया और ये भी उल्लेख किया कि उनका ध्यान मुख्य रूप से भारतीय बाजार के लिए एसयूवी को पेश करने पर होगा और इसीलिए इस आयोजन के दौरान उन्होंने भारतीय बाजार के लिए एसयूवी की लाइन का भी अनावरण किया जो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। फॉक्सवैगन 18 मार्च 2020 को भारत के लिए अपनी नई एसयूवी टी-रॉक के मूल्य के निर्धारण की घोषणा करेगी। टी-रॉक की लॉन्चिंग टिगवाइन ऑलस्पेस के बाजार में आने के बाद होगी जो टिगवाइन का 7-सीटर और एक्सटेंडेड वर्जन है। हाल ही में फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2020 में टी-रॉक का अनावरण किया गया था और वर्तमान में भारत में सभी फॉक्सवैगन डीलरशिप पर बुकिंग चालू है। 2500 कार नियम के तहत शुरू में टी-रॉक को पूर्ण आयात के रूप में भारत में लाएगा। फॉक्सवैगन टी-रॉक BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगा जो 48 BHP और 220 Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन के लिए आता है। सुरक्षा सुविधाओं में 6 एयरबैग ABS और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। फॉक्सवैगन टी-रॉक कई नए डिजाइन तत्वों का परिचय देता है। फॉक्सवैगन टी-रॉक नए डिजाइन एलिमेंट्स पेश करती है जिसमें लार्जर हेक्सागोनल ग्रिल LED DRL जो बम्पर और हेडलाइट मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड है, कॉन्ट्रास्ट कलर रूफ और नोटिसेबल सी पिलर डिजाइन और इसमें हिडन एग्जॉस्ट स्ट्रिप शामिल है। फॉक्सवैगन टी-रॉक का मुकाबला जीप कंपस और ह्यूंडई टक्सन के साथ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।